सेहत पर भारी ना पड़े होली की मस्ती। रखें इन सात बातों का ध्यान। होली का त्योहार अपने साथ खूब सारी मस्ती और उत्सव लेकर आता है, लेकिन इसी बीच सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना त्योहार फीका पड़ जाएगा। होली पर रंग नहीं खेले तो क्या किया, होली पर पानी में भीगे नहीं तो क्या किया, होली पर जमकर मिठाई नहीं खाई तो क्या किया। बेशक होली की मस्ती में हम खुद को कई सवालों का जवाब देते हुए डूबते हैं, लेकिन होली की मस्ती में सेहत खराब ना हो जाए इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि कुछ पल की मस्ती के बाद आपको कुछ दिन बिस्तर पर आराम करना पड़े। होली की खुमारी में रंगों के चयन से लेकर डाइट तक का ध्यान रखना जरूरी है। होली पर सेहत पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आजकल बाजार में आने वाले रासायनिक रंगों में रेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट जैसे घातक रसायन होते हैं, जो एलर्जी के अलावा और भी कई परेशानियों को पैदा कर सकते हैं। कई रंग तो आपको अंधा भी बना सकते हैं, वहीं पानी में ज्यादा भीगने से भी परेशानी हो सकती है। होली पर सिंथेटिक रंगों से बचकर रहें। इन रंगों में रेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड, ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट आदि भयानक केमिकल मिले होते हैं, जो कि आंखों की एलर्जी, त्वचा में खुजली और अंधा बना सकते हैं। इनकी जगह हीना हल्दी पाउडर, चंदन फूलों की पंखुड़ियों का चूरा आदि भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि त्वचा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे लोग जिन्हें रंगों से एलर्जी है, उन्हें हर हाल में इन रंगों से दूर रहना चाहिए। साथ ही एक्जिमा से परेशान लोगों को भी इन रंगों से दूर रहना चाहिए। बेहतर होगा कि रंग खेलने से पहले शरीर पर नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा लीजिए, जिससे रंग त्वचा पर ना चिपटे। होली खेलते वक्त त्वचा लगातार पानी के संपर्क में रहती है, इसलिए त्वचा पर घाव और कटने छिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी त्वचा छिल जाए तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाएं और रंग खेलना बंद कर दें। रंग खेलने से पहले बालों में खूब सारा तेल लगाएं, सिर को रुमाल या स्कार्फ से ढक दें। रंगों से बालों को भी नुकसान पहुँचता है। होली के मौके पर पानी में ज्यादा भीगने से बचें, इससे बुखार, जुकाम, सिर दर्द, नाक बहना, बदन दर्द आदि की परेशानियां हो सकती हैं। होली पर गुब्बारों से भी बचें, अक्सर ये आंखों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से रोशनी जा सकती है। त्योहार आने पर कई लोग जो डाइटिंग पर होते हैं, वह भी इस दिन खुद के पेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसका नतीजा तबीयत खराब के तौर पर हो जाता है। ये थी SM News की रिपोर्ट।